हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रांची झारखंड से दो विभिन्न वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो सकती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि इसी तरह का यूजफुल नोटिफिकेशन आपके पास लगातार पहुँचता रहे। दोस्तों, सबसे पहले ये वैकेंसी हम लोग देखते हैं। ये वैकेंसी जो है आपका झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है। एक आप कह सकते हैं कि सुनहरा अवसर भी कह सकते हैं आप। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर फोर्थ ग्रेड वैकेंसी की बहाली होने वाली है जो कि ऑनलाइन माध्यम से ही होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज देखते हैं, रिजर्व के लिए 6 है, एसटी के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है, BC1 के लिए 1 पद है और BC2 के लिए आपका 1 पद है, EWS के लिए 1 पद है। टोटल पदों की संख्या आपका 12 पद है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है और किसी भी माध्यम से यह स्वीकार नहीं करेगा। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि स्टार्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो रहेगा आपका 30/9/2024 से है और क्लोजिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन का 30/10/2024 यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। अब पैसा की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका नेम ऑफ पोस्ट में फोर्थ ग्रेड स्टाफ रहेगा कल, और यहाँ पर ग्रुप सी नॉन रजिस्टर्ड यहाँ पर पद बोला गया है। पे स्केल आपका लेवल 2 रहेगा, 5,200 से 20,219 रुपये आपका ग्रेड पे रहेगा। दोस्तों, जो नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि एप्लीकेशन का डेट के पहले यहाँ पर आपका जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि 10th पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी आपके पास होना चाहिए कम से कम। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं एज कैटेगरिया के बारे में बात कर लिया जाए, तो एज कैटेगरी आपका मिनिमम जो है 21 साल और मैक्सिमम 35 साल, और कैटेगरी वाइज यहाँ पर छूट प्रदान किया गया है जो कि देख सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि 1/8/2024 के अनुसार यहाँ पर गणना किया जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी का भी यहाँ पर फायदा आप उठा सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं रिटेन टेस्ट होगा, उसके बाद फिर पर्सनली आपका टेस्ट वाइप मतलब इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आपका प्रोबेशन पीरियड जो रहेगा दोस्तों 2 साल का ही रहेगा। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये है ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पर फॉर्म भरना है और इंक्लोज द सबमिट स्पेस प्रोवाइड ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। इंक्लोज में तो आपको स्कैन कलर फोटोग्राफ करना पड़ेगा, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट करना पड़ेगा जो कि अंक पत्र होता है उसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा। नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं कि आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट 2016 का आपको करना पड़ेगा जो कि 2/6/2016 यहाँ पर सब डिविजनल ऑफिसर से बोल दिया गया है, या फिर आपको सर्कल ऑफिसर से 19/7/2024 यहाँ पर ऑनवर्ड्स बोल दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो है 25/9/2024 यहाँ पर बोल दिया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिप्टी कमिश्नर या सब डिविजनल ऑफिसर से, या फिर आपका देख सकते हैं कि 25/2/2019 ऑनवर्ड बोला गया है आपका सर्कल ऑफिसर से। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगाना यहाँ पर बोल दिया गया है। क्या क्या साइज रहेगा, किस फॉर्मेट में आपको अपडेट करना है यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। फीस के बारे में बात कर दिया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 1,000 रुपया आपको देना पड़ेगा अनरिजर्व कैटेगरी BC1 BC2 के लिए, और यहाँ पर STSC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 250 रुपया है। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि अंग्रेजी में ही यहाँ पर अप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर सारा डिटेल है, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, सारा डिटेल यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि जो एग्ज़ाम का जो रिटेन टेस्ट होगा आपका, पेपर 1 रहेगा आपका, टोटल 100 नंबर का रहेगा, फुल मार्क्स 100 रहेगा, 2 घंटा का समय दिया जाएगा। और जो सिलेबस रहेगा आपका जनरल अवेलेंस रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग अवेलेबिलिटी रहेगा वो भी 25 रहेगा, मैथमेटिकल अवेलेबिलिटी रहेगा 25 नंबर, अबाउट झारखंड से टोटल यहाँ पर 100 नंबर का यहाँ पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। दोस्तों, जो नेक्स्ट वैकेंसी है आपका झारखंड सरकार श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के तरफ से यहाँ पर अप्रेंटिसशिप में यहाँ पर लगाया जा रहा है PMNMs के तहत। यहाँ पर देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन जो है आपका 14/10/2024 को पूर्वाह्न 10 बजे से आपका अमिटी यूनिवर्सिटी नया सराय पुंदाग रांची के प्रांगण में आपका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपका गैर तकनीक के छात्र जो कि 5वीं पास से स्नातक तक हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ ITI डिप्लोमा इंजीनियरिंग या फिर शॉर्ट टर्म स्किल भी है तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपको दस्तावेज के रूप में आपको प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा, जो भी आप क्वालिफिकेशन है, ईमेल आईडी रहना चाहिए, मोबाइल नंबर रहना चाहिए, आधार कार्ड रहना चाहिए। इसके साथ ही आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप मेला में भाग ले सकते हैं। और इसमें आपको निबंधन भी कराना पड़ेगा, अप्रेंटिसशिप पोर्टल में जाते हुए इसमें आपको निबंधन भी हो जाना पड़ेगा।